जय माता दी मित्रों, माँ लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति भूल से भी घर में नहीं रखना चाहिए, घर में छा जाती है कंगाली। तो आइए जानते हैं दोस्तों, माँ लक्ष्मी की ऐसी कौन सी मूर्ति है जिसे हमें घर में नहीं रखना चाहिए। धन कमाना किसे पसंद नहीं है, और उस कमाए हुए धन से ऐशो आराम की जिंदगी जीना हर किसी की ख्वाहिश होती है। हमारे हिंदू धर्म में धन पाने के लिए बताया गया है कि माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर ले, उसे पूरे जीवन धन के लिए कभी नहीं तरसना पड़ता है, और उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। अक्सर ही ऐसा देखा जाता है कि लोग लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए तरह तरह के उपाय कर प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, और देखा जाता है कि ऐसा करने के लिए लोग अपने घरों में धन की देवी लक्ष्मी की मूर्ति रखते हैं। मगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि देवी की मूर्ति को रखने के भी कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, और ऐसा तब होता है जब आप उसे सही तरह से नहीं रखते हैं। तो ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि धन प्राप्ति के लिए और माँ लक्ष्मी को नाराज किए बिना घर में देवी लक्ष्मी की मूर्ति को रखने का क्या है सही तरीका। सबसे पहले आपको बता दें कि हर किसी के पूजा घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति जरूर होती है, मगर कई बार ऐसा भी हो जाया करता है कि भूल से लोग देवी लक्ष्मी की खड़ी अवस्था वाली प्रतिमा रख देते हैं, जो कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बताया जाता है कि माँ की इस तरह की मूर्ति की पूजा कभी भी शुभ फल नहीं देती है। आपको बताते चलें कि पुराणों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी बहुत चंचल है, और इसीलिए जहाँ कहीं पर भी उनकी खड़ी अवस्था वाली मूर्ति स्थापित होती है तो उस स्थान पर ज़्यादा देर तक वो नहीं टिकती है। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माँ लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा को रखना चाहिए, अन्यथा माँ की कृपा क्षणिक भर ही मिल पाती है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, और यह भी बताया जाता है कि उल्लू भी स्वभाव से काफ़ी चंचल होता है, और इसी वजह से कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी की मूर्ति कभी भी उल्लू पर बैठी हुई अवस्था में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ की कृपा ज़्यादा समय तक नहीं रह पाती है। आपने यह भी देखा होगा कि ज़्यादातर घरों पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति भगवान गणेश के साथ दिखाई पड़ती है, मगर आपको बता दें कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति भगवान विष्णु के साथ ही रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी हैं। हालांकि आप भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के साथ वाली मूर्ति को दीपावली वाले दिन साथ रख सकते हैं, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी की पूजा होती है। मगर इसके अलावा अन्य सभी दिन माँ की प्रतिमा को विष्णु भगवान के साथ ही रखकर ही पूजा करनी चाहिए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलूंगा एक नए अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।